हे गाइस, व्हाट इज अप? होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। यार, इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पेशल चीज शेयर करने वाला हूँ, जो है फ्रंटएंड इंटरव्यूज के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन किट, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। यार, अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, तो कोई स्टार्टअप्स या सर्विस बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यू देना चाहता है, तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके पास अच्छे रिसोर्सेज या मटेरियल्स होने चाहिए, जहाँ से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सको। अभी प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट पे फ्रंट एंड रिलेटेड अच्छे रिसोर्सेज ढूंढना एक अलग ही चैलेंज हो गया है, क्योंकि इंटरनेट पे अभी सब जगह स्कैटर्ड रिसोर्सेज है। आपको सब अलग अलग रिसोर्सेज से उठाना पड़ेगा, जिसमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। बट अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रंट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकते हो। और मैं जो भी रिसोर्सेज शेयर करूंगा, उसमें आप डिटेल में अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे कि कंपनीज में इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या पूछ सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कितने राउंड हो सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और कमेंट कर देना। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली तीन चीज़ों पे फोकस करना होगा। फर्स्ट आता है कोडिंग राउंड, इसको मशीन कोडिंग राउंड भी बोलते हैं। तो ये राउंड में आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, जो आपको फिक्स टाइम में सॉल्व करने होंगे, मतलब प्रॉब्लम का प्रॉपर रनिंग सॉल्यूशन कोड करके देना होगा। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला कि आपको UI बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं, और सेकेंड DSA बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पहले हम UI बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कोई कंपनीज में ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ वेनिला जावास्क्रिप्ट से सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना होगा, मतलब HTML, CSS और वेनिला जावास्क्रिप्ट के साथ। आप कोई जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा जनरली क्यों होता है? क्योंकि कैंडिडेट को अगर जावास्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज है, तो वो फिर कोई भी फ्रेमवर्क पे सीख के इजीली काम कर सकता है। बट अगर कोई स्पेसिफिक टेक स्टैक के लिए हायरिंग है, तो फिर ऑब्वियस है कि आपको उसी टेक स्टैक को यूज़ करना होगा सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए। इसमें मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकते हैं टू बिल्ड अ सुडोकू गेम, या फिर ई कॉमर्स ऐप का कोई विजेट बनाने के लिए दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट डिटेल्स पेज है अमेजोन का, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि रेटिंग एंड रिव्यू सेक्शन बनाओ, जिसमें मल्टीपल फीचर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट रेटिंग्स हो गया, रिव्यू सेक्शन हो गया, फिल्टरिंग ऑफ रिव्यूज हो गया, जिसमें फिल्टर बाय मोस्ट रिसेंट और टॉप रिव्यू से फिल्टर कर सकते हैं। इसमें आप सोच सकते हो कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर इसका यूज़ होगा। इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के थ्रू प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स की, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और साथ साथ DSA कंसेप्ट भी यूज़ करते रहना, जैसे एरेज और ऑब्जेक्ट्स, तो आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपको अच्छे रिसोर्सेज दिखा देता हूँ, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रॉब्लम्स की, और देख सकते हो कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट रिसोर्स है createfrontend.com। यहाँ पे आपको ईजी टू मीडियम लेवल के काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे आप इनके एडिटर में भी कोड कर सकते हो, या खुद का IDE भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इनके एडिटर में करते हो, तो आपको React और वेनिला JS ऑप्शंस मिलेंगे। बट अगर आपको कोई और फ्रेमवर्क में करना है, जैसे Angular या Vue.js, तो आप सेम क्वेश्चन खुद के IDE में भी कर सकते हो। हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आउटपुट तो वैसे भी सेम ही रहने वाला है। सेकेंड रिसोर्स है चिराग गोयल का ये यूट्यूब वीडियो, जहाँ पे उन्होंने मीडियम टू हाई लेवल के 11 कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताए हुए हैं, जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपको इंटरव्यू में। इसको तो ज़रूर देखना और प्रैक्टिस भी करना। और थर्ड है ये वर्क एट टेक रिसोर्स, इसमें भी अच्छे मशीन कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ दो सेक्शन है, एक फ्रंट एंड का और एक कॉमन मशीन कोडिंग क्वेश्चंस है, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के मिक्स है, तो आप इनको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आपने ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर लिए, तो इंटरव्यू में और कोई भी टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, तो आप सॉल्व जरूर कर पाओगे, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में फ्रंट एंड के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो ही जाते हैं। अभी सेकंड टाइप देखते हैं, DSA स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इसमें कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कैंडिडेट को कौन से लेवल के क्वेश्चंस पूछने हैं, या तो पूछने हैं कि नहीं पूछने हैं, अगर आप फ्रंट एंड या वेब डेवलपर का इंटरव्यू दे रहे हो तो। कई स्टार्टअप कंपनीज ऐसे भी है, जहाँ पे DSA पे काफ़ी कम फोकस रहता है और टेक्निकल स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। उन कंपनीज में DSA क्वेश्चंस पूछते ही नहीं, या तो ईजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें एरेस, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कई मिड साइज कंपनीज ऐसी भी है, जहाँ एरेज, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग्स के साथ लिंक्ड लिस्ट, टैग्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। तो मैं अब आपको सारे DSA रिलेटेड रिसोर्सेज दिखा देता हूँ, जो आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट है ये टेक इंटरव्यू हैंडबुक। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स में कौन से असेंशियल क्वेश्चन हैं, रिकमेंडेड क्वेश्चन हैं, ये भी दिए हुए हैं, और लर्निंग रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं कि आप कहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो। प्लस टेक्निक्स भी सारी दी हुई है, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सारी टेक्निक्स हैं जिसके काफ़ी सारे एरर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आपको अगर एक बार पैटर्न समझ आ गई, तो स्ट्राइक हो जाएगा आपको कि कौन सी टेक्निक से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा।
तो ये काफी अच्छा रिसोर्स, आप इसको जरूर एक्सप्लोर करना। प्लस यहाँ पे कस्टमाइज टॉप 75 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे लीड कोड में ब्लाइंड 75 है, उसी के ऊपर ये बनाए हुए हैं। आपको डिटेल में जानना हो तो यहाँ पे आप FAQ सेक्शन में देख सकते हो, और प्लान भी दिया हुआ है कि आपको कौन से वीक में क्या करना होगा, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और DSA सीखने के लिए दो बेस्ट Udemy कोर्सेज है, जिसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो, बट पहले आप दोनों कोर्स का कंटेंट रिव्यू कर लेना और फिर डिसीजन लेना। ये कोर्स में आपको DSA पूरा डीप में सिखाएंगे JavaScript का यूज करके, और ये दूसरे कोर्स में भी DSA में डीप डाइव करवाएंगे JavaScript यूज करके। बट एक बेनिफिट है कि इसके साथ आपको कोडिंग इंटरव्यू टिप्स भी देंगे। फ्री रिसोर्सेज में दो बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट है गिग्स फॉर गिग्स, जहाँ पे आपको डिटेल में सारे DS और algo सेपरेटली मिल जाएंगे जो आप सीख सकते हो, और कॉमन क्वेश्चंस सारे DS algo में कौन से हैं वो भी मिल जाएंगे। प्लस आपको यहाँ कंपनी स्पेसिफिक DSA क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और दूसरा, अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल देखना है तो आप लव अंबर का DSA प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, इन्होंने DSA के सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर किए हुए हैं। तो मशीन कोडिंग राउंड के बाद हम आते हैं टेक्निकल राउंड पे। इस राउंड में कैंडिडेट के टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल नॉलेज ये टेस्ट किया जाता है। इसमें ट्रिविया स्टाइल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रिविया स्टाइल मतलब टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स या टेक्निकल डिटेल्स रिलेटेड टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैंडिडेट्स को पूछे जा सकते हैं, और आपको दूसरे राउंड में भी ट्रिविया स्टाइल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पर। अगर एग्जांपल से बताऊं तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे व्हाट आर प्रॉमिसेस, JS एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वेब परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। और सिर्फ इसी थियोरी बेस्ड क्वेश्चन से कैंडिडेट का नॉलेज टेस्ट नहीं किया जाएगा, बट और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कुछ बेसिक DSA क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपकी लॉजिकल स्किल्स देखने के लिए। फॉर एग्जांपल, प्रॉमिस का पॉलीफिल लिखने को बोल सकते हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं कोड लिखने के लिए टू बिल्ड अ स्टैक यूजिंग टू क्यूज, या तो फिर रिवर्सल लिंक्ड लिस्ट। तो अब आप टेक्निकल राउंड के लिए प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हो वो दिखा देता हूँ। फर्स्ट है ये फ्रंट एंड इंटरव्यू हैंडबुक। यहाँ पे आपको ट्रिविया स्टाइल में HTML, CSS, JavaScript के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आंसर्स के साथ समझाया हुआ। सेकेंड रिसोर्स है W3 Schools, यहाँ पे काफी सारे इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि कैरोसेल कैसे बना सकते हो, ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव नेवपार कैसे बना सकते हो, तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप इसको भी जरूर कर सकते हो। थर्ड है ये GitHub रेपो, यहाँ पे आपको 450 JavaScript क्वेश्चंस मिल जाएंगे आंसर्स के साथ। इसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। और हाँ, इस राउंड में आपको आपके प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपने पास्ट में क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, और अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो अपने प्रीवियस कंपनी में क्या किस पे काम किया था, क्या प्रोजेक्ट्स किए थे, उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल में पूछ सकते हैं। तो टेक्निकल राउंड के बाद आता है सिस्टम डिजाइन राउंड। ये राउंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ही होता है, बट ये कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि इसको अगर फ्रेशर्स के लिए भी पूछना है कि नहीं। तो फ्रेशर्स को भी आई वुड सजेस्ट कि ये राउंड के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो जिसको नहीं पता, यहाँ पे सिस्टम मतलब फ्रंट एंड सिस्टम्स होते हैं। आप सिस्टम को कितना समझते हो और कैसे डिजाइन करते हो उसका बेसिकली नॉलेज टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई वेब ऐप का फीचर बनाना है तो फीचर को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, डायरेक्ट कोड तो नहीं लिखोगे, उसका हाई लेवल इंप्लीमेंटेशन, हाई लेवल अप्रोच कैसे करते हो, कौन से कंपोनेंट्स बनाओगे, कंपोनेंट्स को कैसे कनेक्ट करोगे, डेटा फ्लो कैसे होगा, कौन से API कॉल्स करोगे, API का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, ये सब आपको बताना होता है सिस्टम डिजाइन राउंड में। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो लेट से आपको इंटरव्यूअर बोलते हैं कि आपको एक ई-कॉमर्स ऐप के लिए शॉपिंग कार्ट बिल्ड करना है, ठीक है। अभी इसमें दो चीज़ हो सकती है। इंटरव्यूअर आपको खुद ही बोलेंगे कि हमें XYZ फीचर्स बिल्ड करने हैं शॉपिंग कार्ट मॉड्यूल में, और सेकंड है कि हमें खुद ही सोचना होगा। इसका डिस्कशन हम इंटरव्यूअर के साथ कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर सकते हैं, तो ये टू वे कन्वर्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एड टू कार्ट स्क्रीन बनाना होगा, फिर शॉपिंग कार्ट रेंडर करने के लिए एक कंटेनर कंपोनेंट बनाना होगा जहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स रेंडर होंगे, तो एवरी आइटम को रेंडर करने के लिए एक सिंगल रियूजेबल आइटम लिस्ट कंपोनेंट बनाना होगा जहाँ पर आइटम की सारी डिटेल्स दिखेगी। तो ऐसे सब आपको इंटरव्यूअर को बताना रहेगा कि आप कोई मॉड्यूल या फीचर को डिजाइन कैसे करोगे कोड स्टार्ट करने से पहले। और ये डिपेंड कर सकता है कंपनी टू कंपनी कि आपको ये राउंड के लिए कितना टाइम दिया गया। अगर लेट से कि 1 to 2 hours का टाइम है तो आपको इसको सॉल्यूशन के साथ इंप्लीमेंट करके दिखाना होगा, वरना लेट से कि सिर्फ 30 minutes का टाइम है तो आपको ऑन हाई लेवल सिर्फ इंटरव्यूअर को बताना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा कि अप्रोच क्या होगा, कि कौन से कंपोनेंट्स आप बिल्ड करोगे, डेटा फ्लो कैसे होगा, API कौन सी यूज़ करोगे। और याद रखना, ये सब चीज़ को आप रियूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी और ऑप्टिमाइजेशन के साथ ही बताओ कि आप कंपोनेंट्स ऐसे बनाओगे जो रियूजेबल होंगे, और ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे वो भी आपको सोचना होगा। ये सब पैरामीटर्स को कंसीडर करके ही सॉल्यूशन या अप्रोच बताओगे तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा। तो इस राउंड के लिए कुछ टिप्स और कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, आपको इंटरव्यूअर को कैसे समझाना होगा आपका अप्रोच, उसके लिए 2-3 अच्छे रिसोर्सेज हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला है ये createfrontend.com, यहाँ पे सिस्टम डिजाइन के रिलेटेड काफी ज्यादा अच्छे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सिस्टम डिजाइन राउंड में क्या करना होता है, कैसे एक्सप्लेन करना होता है, रेडियो फ्रेमवर्क का यूज करके कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ सकते हैं, फीचर वाइज भी आ सकते हैं और ऐप वाइज भी आ सकते हैं,
यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इसको तो जरूर देखना। तो सेकंड रिसोर्स है ये चिराग गोयल का यूट्यूब प्लेलिस्ट, यहाँ पे उन्होंने सिस्टम डिजाइन राउंड के काफ़ी सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताए हुए हैं जो आप फॉलो करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उन्होंने मीडियम टू हार्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। और थर्ड रिसोर्स है ये आर्टिकल, यहाँ पे सिस्टम डिजाइन राउंड के बारे में समझाया हुआ है क्या होता है, कैसे होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। और हाँ, ऑर्डर और नंबर ऑफ राउंड्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोडिंग राउंड दो हो सकते हैं या तो फिर टेक्निकल राउंड भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस पे। सिस्टम डिजाइन के बाद आता है मैनेजरियल राउंड, इसमें आपके हायरिंग मैनेजर जो भी होंगे वो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको कोई पजल या क्विज पूछ सकते हैं, जिससे आप प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हो वो टेस्ट किया जाता है। और इसमें पास्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके बाद लास्ट राउंड हो सकता है बिहेवियरल या कल्चरल फिट राउंड, इसमें मोस्टली कुछ सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको ये कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके ऊपर आपको कुछ सिचुएशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पे कुछ वर्कलोड ज़्यादा आ गया तो आप कैसे हैंडल करोगे, अगर कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हो गई तो आप कैसे मैनेज करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस पे एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स मैं शेयर कर देता हूँ जो है greatfrontend.com, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बिहेवियरल क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। तो यही था फ्रंटेंड इंटरव्यू प्रिपरेशन किट विथ रिसोर्सेज जो आप फॉलो कर सकते हो अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ प्लेस होने के लिए। आपको मेनली तीन चीज़ पे फोकस करना है, कोडिंग राउंड, टेक्निकल राउंड और सिस्टम डिजाइन राउंड। आई होप ये वीडियो और जो भी मैंने रिसोर्सेज बताए वो काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना, आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।